तो वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाइन घटना चक्र पर्यावरण सतत विकास का लेक्चर नंबर 11। तो आज इसको करेंगे 1990 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आर ओ ई पी एस सी चाहे जिस एग्जाम में, तो सारे के सारे इसमें हैं। और आपको बता दूँ यहाँ से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, खासकर UPBCS ROE RO में। तो इसको पढ़ के जाइए, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे प्रदूषण के बारे में। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रदूषण, प्रदूषण एवं उसके प्रकार। तो प्रदूषण भूमि, जल, वायु और अन्य रासायनिक तथा जैव अभिलक्षणों के अनापेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप होते हैं। प्रदूषणों के अत्यधिक जमाव के कारण होता है। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है प्रदूषण मतलब प्रदूषक पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, इनकी विभिन्न आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषण, प्राकृतिक प्रदूषण, मानव विविध प्रदूषण और इसमें आ जाता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, पारिस्थितिकी तंत्र पर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज, प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड और प्राकृतिक में ज्वालामुखी का फूटना और मानवद्विद में मनुष्य द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि तथा से उत्पन्न प्रदूषण। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो मनुष्य द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है। तो नेक्स्ट है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। मानव गतिविधि से परिवर्तित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पोजेनिक। और जैव प्रदूषण, जैव विघटित प्रदूषण कौन सा है? तो वाहित मल है। और ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा अपघटनीय प्रदूषण है? तो वह है सीवेज। एक ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारी द्वारा पूर्व विघटन किया जा सके, जैसे अपघटनीय प्रदूषण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो वह रबर। यार वो यार हम पूछा गया क्वेश्चन है। फिर वायु प्रदूषण की बात करते हैं। तो पर्यावरण के भाग के आधार पर प्रदूषण को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। मानवीय प्रकृतिकरणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित तापमान में विषाक्त गैसों या कड़की पदार्थों की वजह से वांछनीय परिवर्तन होता है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार वगैरह से हो गया, या मानव में जैसे मानव का तो पता ही है जो पेट्रोल डीजल जलाता है, गाड़ी वोड़ी का यूज करता है, कोहरा है, स्मॉग, तो ये सारी चीज़ें हैं वायु प्रदूषण के। रेडियो एक्टिव भी होता है इसमें। तो हानियाँ, फ्लाई एस वगैरह सब कुछ है इसमें। इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। और सूचकांक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सूचकांक को। तो सूचकांक 0 से 50 अच्छा माना जाता है, उसका रंग हरा होता है, न्यूनतम प्रभावित होता है। 51 से 100 में सेटिस्फैक्टरी होता है, हल्का हरा होता है। संवेदनशील लोगों को सामान्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। 101 से 200 में मॉडरेटली पॉल्यूटेड होता है, इसका रंग पीला होता है। अस्थमा, हृदय रोग के पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उत्पन्न करता है। 201 से 300 खराब होता है, पुअर होता है, इसको ऑरेंज से रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादा समय तक संपर्क में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। और जो 301 से 400 होता है बहुत ख़राब होता है, इसे लाल रंग से डिनोट करते हैं। लंबे समय तक संपर्क से श्वसन संबंधी रोग हो जाता है। और 401 से 500 सीवियर होता है, गहरा लाल होता है, स्वास्थ्य लोग भी प्रभावित तथा रोगग्रस्त लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इसमें बहुत कुछ है। 3 क्वेश्चन करते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत किसका है? वायु प्रदूषण का। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से मुख्यतः कार्बन और नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु में प्राप्त हो जाता है, जो वायु के प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। प्रकाश, रासायनिक धूम्र, कोहरे के बनने के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। अगला है प्रकाश, रासायनिक धूम्र का बनना किसके बीच अपक्रिया का परिणाम है? तो यह है कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन तथा पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। फिर धुआं से आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सी शक्तिशाली उत्तेज होता है? तो वह होता है पैराक्सीटिल नाइट्रेट। और समानता स्थितियों में वातावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड। और निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक नहीं है? तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड। वे प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे CO2, SO2 इत्यादि।
जबकि ऐसे प्रदूषक जो वायु प्रदूषण जो प्राथमिक वायु प्रदूषण तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक नाम से जाने जाते हैं, जैसे ओजोन, पैरा एक्साइटिल, एसिटिल नाइट्रेट इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो वह है स्मॉग। फिर है अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर कार तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है, जिसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तब तक नहीं पहुँचा पाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। अगला है मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो है कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है, वह है लेड। तो वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु उत्सर्जित होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। लेड को इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब परिशोधनशाला तकनीक में उन्नयन के कारण पेट्रोल में लेड डालने की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। अगला है सीएनजी का मुख्य घटक है, तो वह है मीथेन। अगला निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? वह कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक मुख्य वायु प्रदूषक है। गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बो हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। जब लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, तब ऑक्सीजन की कमी श्वसन क्रिया में अवरोध हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाती है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन फलस्वरूप उत्पन्न होती है? तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से कोल को। फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों में उत्पन्न होने वाली इस सूक्ष्म पाउडर से जीवाश्म में श्वसन संबंधी रोग होते हैं। यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करती है। फ्लाई ऐश प्रदूषक होता है, यह होता है ताप विद्युत संयंत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो वह है लाइकेन। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो वह है लाइकेन एवं मॉस, दोनों ही वायु प्रदूषण के सूचक हैं। लाइकेन भी है, मॉस भी है, फिर भी लाइकेन आप लगाते हैं तो ज़्यादा सही माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो वह है लाइकेन। फिर है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक माना जाता है? तो लाइकेन। और क्वेश्चन हर साल आता है मेरे हिसाब से भाई। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं किसके? तो वायु प्रदूषण के। और है निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक है? और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है और बाकी सब हैं। फिर है भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है, वह है अंकलेश्वर। और ग्रीन पीस इंडिया द्वारा 2020 जनवरी में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो वह है झरिया। फिर है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो स्वच्छ वर्षा द्वारा। फिर है वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु VIYU प्रणाली का शुभारंभ किस नगर में किया गया? तो वह है दिल्ली। दिल्ली एशियाई भूरा बादल अधिकांश फैला हुआ था दक्षिण एशिया में। फिर है एशियाई भूरा बादल 2002 में अधिकांश दक्षिण एशिया में फैला था। फिर जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर रहता है, कारण मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। तो कौन सा है? पहला तो सही है, दूसरा गलत है। दहन प्रक्रिया जाड़े में कैसे बढ़ सकती है? अगला इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है, वह है रेडॉन गैस। सिगरेट के धुएं में प्रदूषक है, तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। फिर है रिंगल मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापने में होता है? तो होता है धुआं के। रिंगल मेन स्केल का प्रयोग धुआं को मापने के लिए होता है। अगला है ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाली शक्ति संयंत्रों में प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन के लिए किया जाता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थापन के रूप में किया जाता है। दोनों के दोनों सही हैं, पर अब तीसरा गलत है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, तो तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पॉली यूरेथियन से निर्मित पदार्थों के उपयोग। इसमें जो है ए 1, 2, 3 सही है, बाकी सब गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यांत्रिक विधि नहीं है? तो है साइक्लोन डिवाइडर नहीं है। फिर है, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किन पर विचार किया जाता है? तो वह विचार किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड पर नहीं किया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मेथेन। तो 2, 3, 4 सही हैं, ये हैं बाकी। तो ये हैं विभिन्न देशों की भांति भारत में वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स के 8 प्रदूषक सूचकों के आधार पर बनाया गया है। 10, पहला है 10 माइक्रोमीटर आकार के कणिका युक्त पदार्थ जिसे PM10 बोलते हैं, 2.5 PM2.5 नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया और लेड होते हैं। तो देख सकते हैं यही है प्रदूषक। तो WHO का वायु गुणवत्ता दिशा देशों के संदर्भ में इनके थोड़ा विचार कीजिए। PM2.5 24 घंटा के माध्य 15 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब से अधिक नहीं होनी चाहिए और इतना माइक्रोग्राम वगैरह से नहीं होना चाहिए। तो कौन सा सही है? तो पहला और चौथा सही है, बाकी सब गलत हैं, देख लीजिए। और है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो वह 2019 में। वायु प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो वो बना था 1981 में। अब मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य वायु प्रदूषक है? तो कारखानों से निकलने वाले धुएं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये सब मिलके तो हैं। फिर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पजीवी जलवायु प्रदूषक को नियंत्रित करने हेतु तो जलवायु में स्वच्छ वायु गठबंधन समूह के देशों का अनोखी पहल है। CCA मेथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर केंद्रित है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया, पढ़ लीजिए। वाहनों में उपयुक्त कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सीमा में डिस्क किससे त्वरित होती है? तो होती है पैलेडियम से। फिर धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो वह होता है नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। फिर है अम्ल वर्षा, जब वर्षा के जल में अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः ऐसी वर्षा pH 5 से कम होती है और उल्लेखनीय है कि शुद्ध pH जो होता है 7 होता है। वर्षा जल में शुद्ध नहीं होता है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित CO2 वर्षा के साथ दूसरा कार्बनिक अम्ल H2CO3 का निर्माण करती है। तो अम्ल वर्षा का जमाव आर्द्र मौसम में और शुष्क मौसम में आर्द्र जमाव, शुष्क मौसम में शुष्क जमाव। तो ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जलवाष्प में घुलने से स्रोत अम्ल वर्षा, वायु जलवाष्प में घुलकर स्रोत से दूर अम्ल वर्षा करते हैं। प्रभाव, पौधों की पत्तियों को नुकसान, श्वसन संबंधी संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा, फसल की वृद्धि में रुकावट होता है, मृदा के श्वसन तत्वों का अलग होना, एल्युमिनियम यौगिक का मुक्त होकर वृक्षों को हानि। वर्षा द्वारा एल्युमिनियम झीलों, तालाबों, मेढक व मछलियों, अम्लीय जल के अंडे देने में असमर्थ। और अगला है, हल्के कण के जीवाश्म ईंधन के जलने से NO2 का उत्सर्जन, भारी कण वर्षा के साथ शहर पर और ऐतिहासिक भवनों के पत्थर पर अपघटन और मनुष्य के नेत्र में व गला संबंधी रोग, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर नुकसान पहुँचता है। फिर है, यहाँ अम्लीय गैस प्राकृतिक गैस और मानव निर्मित स्रोत क्या है? तो अम्लीय है नाइट्रोजन और उसके ऑक्साइड और सल्फर और उसके ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऑक्साइड। ज्वालामुखी उद्गार होता है, आकाशीय विद्युत और जैविक गतिविधियाँ होती हैं, तेल कोयला गैस का दहन वानिकी मानव निर्मित है और ज्वालामुखी उद्गार सागर प्लैंकटन सड़ने से वगैरह से, देख लीजिए इन सबको। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ है। अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? किसके कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो सेम क्वेश्चन। और अगला है, ये देख सकते हैं, तो बताया गया आपको अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो वह होता है नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। तो निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि के कारण है? तो सेम क्वेश्चन, कितनी बार पूछा जाएगा भाई।
नेक्स्ट है अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी है, तो है नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। देख लीजिए अम्ल वर्षा में कौन सी अम्ल उपस्थित होती है, तो वह होती है नाइट्रिक अम्ल। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से क्या होती है, इसमें नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अम्ल वर्षा के घटक कौन से हैं, तो वो हैं ए और बी, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। फिर है निम्नलिखित में एक बार विचार कीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें क्या करना है, किसकी अधिकता से अम्ल वर्षा होती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। 2022 IAS प्री में पूछा गया भाई क्वेश्चन है ये। अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषण वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं, तो कौन से हैं, वो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है, तो ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है IAS में, सोच सकते हैं आप। अम्ल वर्षा होती है ये बादल के जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, अगला है निम्न से एक वर्षा के पानी में घुलने वाला पानी अम्लीय हो जाता है किसके कारण, बोरान ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड के कारण। तेजाब जानते हैं आप, तेजाब में भी होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी, तो है सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा निम्नलिखित देशों में से कौन से क्षतिग्रस्त होते हैं, कनाडा, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, तो क्षतिग्रस्त जो होते हैं वो होते हैं आपके कनाडा और नॉर्वे। फिर किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, तो वो होती है नॉर्वे में, सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। अब है जल प्रदूषण, तो चलिए भाई जल प्रदूषण, चलिए जल प्रदूषण को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि थोड़ा हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इसको रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, और हाँ वीडियो को शेयर करिए यार, आप लोग शेयर नहीं करते हो तो प्लीज़ शेयर करिए और कमेंट भी करिए अगर वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।